बिहार दैनिक एक कदम आगे। बिहार व देश विदेश की ताज़ा तरीन न्यूज अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बिहार दैनिक को अभी सब्सक्राइब करें। बिहार दैनिक न्यूज चैनल पर मैं अमलेंद्र कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। भारत और चीन के बीच LAC विवाद रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। चीन लगातार भारतीय वास्तविक सीमा रेखा के नियमों का उल्लंघन कर भारतीय सीमा में प्रवेश करते जा रहा है। ऐसे में भारत ने भी चीन को चेताया है कि अपनी नापाक मंसूबों पर काबू रखे, नहीं तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ऐसे में अगर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो भारत और चीन के बीच युद्ध की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। तो आइए जानते हैं कि अगर भारत और चीन के बीच युद्ध की संभावना बनती है तो कौन किस पर भारी पड़ सकता है, किसके पास कितने हथियार हैं और किसकी सेना है सबसे ज्यादा मजबूत। भारत की बात करें तो भारत के पास 14 लाख सक्रिय सैनिक, जिसमें से 21 लाख रिजर्व। चीन के पास 14 लाख सक्रिय सैनिक और 5 लाख है रिजर्व। इस तरह भारत के पास 34 लाख मिलिट्री ताकत है, जबकि चीन के पास 27 लाख है। इस तरह भारत के पास चीन से 7 लाख अधिक सैनिक है। चीन से निपटने के लिए भारत के 2,25,000 सैनिक हमेशा रहते हैं तैयार। वहीं भारत से निपटने के लिए चीन के 2,34,000 सैनिक हमेशा रहते हैं तैयार। क्षेत्रफल अधिक और अन्य सीमाओं में विवाद होने के कारण चीन की सैन्य शक्ति बिखरी हुई है, जबकि भारत की सैन्य शक्ति मजबूत मारक क्षमता के साथ उत्तरी सीमा पर तैनात है। भारत के पास 4,292 टैंक हैं, जबकि चीन के पास 3,400 टैंक हैं। भारत के पास 8,672 बंद गाड़ियां हैं, जबकि चीन के पास यह संख्या 33,000 है। एयरफोर्स की बात करें तो भारत के पश्चिमी एयर कमांड में 75 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और 34 एयर अटैक एयरक्राफ्ट, जो श्रीनगर, लेह, पठानकोट, आदमपुर और अम्बाला में तैनात हैं। केंद्रीय एयर कमांड में 94 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और 34 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट, जो बरेली, ग्वालियर और गोरखपुर में तैनात हैं। पूर्वी एयर कमांड की बात करें तो पूर्वी एयर कमांड में 101 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जो जलपाईगुड़ी, तेजपुर और छाबुआ में तैनात हैं। चीन की बात करें तो चीन के पश्चिमी थिएटर कमांड में 157 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। अचूक निशाना लगाने वाला 20 UAV हैं, 12 ग्राउंड अटैक UAV और 8 अन्य UAV हैं। तोप की बात करें तो भारत के पास 5,067 तोपें हैं, जबकि चीन के पास 9,726 तोपें हैं। भारत के पास 290 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी हैं, जबकि चीन के पास 1,710 हैं। रॉकेट आर्टिलरी की बात करें तो भारत के पास मात्र 266 हैं, जबकि चीन के पास यह संख्या 2,650 है। भारत के पास 2,141 जंगी जहाज हैं, वहीं चीन के पास ये तादाद 3,444 है, जिसमें फाइटर एयरक्राफ्ट, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, अटैक एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर शामिल हैं। परमाणु शक्ति की बात करें तो चीन के पास 104 परमाणु मिसाइलें हैं, जो पूरे भारत पर हमला बोलने में सक्षम है। भारत के पास अग्नि 3 लॉन्चर सिस्टम है, जो चीन में कहीं भी हमला कर सकता है। चीन के पास 11,000 और 7,000 रेंज की मिसाइलें भी हैं, जो भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका तक निशाना साधने में सक्षम हैं। चीन के पास 12 DF-21 मिसाइल हैं, जो दिल्ली पर हमला करने में सक्षम हैं। जबकि भारत की बात करें तो भारत में परमाणु क्षमता वाले 51 विमान हैं और अग्नि 2 लॉन्चर से चीन के किसी भी हिस्से को निशाना बनाने में सक्षम हैं। अब इस आंकड़े से आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत और चीन के बीच अगर युद्ध की संभावना बनती है तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नई रोचक जानकारियों के साथ। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।